नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस सभी संकाय, सभी जो वर्ग हैं, विषय हैं, उनके प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी में आज हम बात करेंगे इकाई दूसरी पद्य भाग। और आज जिस कविता पर हम बात करने जा रहे हैं वह है हरिवंश राय बच्चन की पथ की पहचान। हरिवंश राय बच्चन, जैसा कि हम जानते हैं, हालावादी के प्रवर्तक माना जाता है उनको। बहुत ही लोकप्रिय नाम रहा है, मधुशाला उनकी बहुत ही लोकप्रिय कृति रही है। और आज हम उनकी कविता पढ़ रहे हैं, पथ की पहचान। पथ की पहचान कविता इस प्रकार है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से इनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। एक पथिक को संबोधित करके, एक मुसाफिर को, एक यात्री को संबोधित करके हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी है। और जीवन यात्रा का जो पथिक है मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य इस जीवन यात्रा का पथिक है। उसे संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि जिस तरह से जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर जाने से पहले हम देखते हैं, हम मैप देखते हैं, हम नक्शा देखते हैं, हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है, हमारे रास्ते में कहाँ कहाँ पड़ाव आएंगे, हमें कहाँ रुकना है, कौन कौन सी बाधाएँ आ सकती हैं। तो वो जीवन यात्रा के पथिक इस मनुष्य को संबोधित करके कहते हैं कि तू अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले बटोही तू अपने रास्ते को पहचान ले। तुझे परिचित होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, कि हमारी जीवन में, हमारे जीवन यात्रा में कल कौन से पड़ाव आने वाले हैं, कल कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कल क्या होगा या कल क्या होने वाला है, कोई भी अपने जीवन के बारे में निश्चितता के साथ, निश्चिंतता के साथ नहीं कह सकता है। और क्योंकि हमने चाहे कितनी भी किताबें पढ़ी हों, लेकिन हम जो रोज़मर्रा के जीवन में जो अपनी समस्याओं को का सामना करते हैं वो हमें अपनी तरह से करना पड़ता है। यद्यपि पुस्तकें जो हैं वो हमें ज्ञान देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन फिर भी हमें रोज़ एक नई समस्या से सामना करना होता है। इसलिए इस जीवन की यात्रा पर चलने की कहानी कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगी, हमें अपने ही अनुभव होंगे। सबके अपने अनुभव होते हैं, इसलिए हमारे भी अपने अनुभव होंगे। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। दूसरा कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अपनी कहानी को बयान करे और हमें निर्देशित करे, हमारे लिए एक मशाल बने, लेकिन फिर भी हम दूसरों की जवानी, अपने जीवन की कहानी नहीं लिख सकते हैं। अनगिनत राही गए इस राह में इनका पता क्या। बहुत से राही मनुष्य जो हैं वो आते हैं इस जीवन यात्रा में, अपने अनेक अनेक पड़ावों को पार करके और मंजिल तक पहुंचते हैं, लक्ष्य तक पहुंचते हैं, या मृत्यु की गोद में समा जाते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को एक नई पहचान नहीं दे पाते हैं। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैरों के निशान छोड़कर जाते हैं, जो जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आने वाले पथिक उनका अनुसरण करते हैं, उनके पदचिन्हों को पहचानते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो ये भिन्नता है, ये दो तरह के जो पथिक हैं उनको रेखांकित करने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। जो आए और चले गए कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जो आए और जिनके पैरों के निशान जो हैं वो यहाँ पर छोड़ गए और दिखाई भी देते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। वो कहते हैं कि वो निशानी केवल दिखाई देती है, मौन होती है, बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहती है, फिर भी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बोल जाती है। और खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। इसलिए जो पदचिन्ह रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, उन पदचिन्हों के गुत्थी को, उसके रहस्य को खोलें हम।
कि कोई इस रास्ते से गुजरा और उसने किस प्रकार से अपने इस रास्ते को, इस यात्रा को तय किया कि लोग उसको पहचानते हैं, उसके कदमों को जानते हैं। तो ये रहस्य, ये पहेली, ये हमें खोल लेनी चाहिए, और बस ये हमने खोल ली तो हम जो हैं अपनी यात्रा पर निसंकोच आगे बढ़ सकते हैं, पंथ का अनुमान कर ले। इसलिए इस तरह के पदचिन्हों के माध्यम से तुझे रास्ते में आगे क्या रुकावटें आने वाली हैं, क्या बाधाएं आने वाली हैं, हे पथिक यह पहचान ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे वो कहते हैं, यह बुरा है यहाँ की अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह असंभव छोड़ यह पथ, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर से बहुत ही रोचक बात वो बताते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर हम बढ़ें और कैसे कैसे हम रहें, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, और हम यह ना सोचें कि यह बुरा है यहाँ की अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, कि हमारा जीवन ऐसा है, इसमें ये कमियाँ हैं, हमें ये नहीं मिला, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, उसके पास ये है। हम इस पर चिंतन मनन करके अपने जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ ना करें। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, क्या हमारे लिए संभव है कि हम इस मार्ग को न छोड़कर, अपने इस जीवन को छोड़कर दूसरे के जीवन को अपना लें? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जहाँ हमें जन्म मिला है, जहाँ हमें जिस रूप में जन्म मिला है, उस जीवन को हमें, उस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना होता है। तो जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं है चयन की, कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, जो जीवन हमें मिला है हम ये कर सकते हैं कि उसे अच्छे से बिताएं, उससे ही अपने आप में सुधार करते जाए, उसी को सुधार कर सकते हैं, ना कि दूसरे के जीवन को अपना सकते हैं। तो जब दूसरे के जीवन को अपना नहीं सकते, तो हम इस पर व्यर्थ चिंता ना करें कि दूसरे को क्या मिला, हमें क्या नहीं मिला। तो हम इस असंभव कार्य को, व्यर्थ के काम को छोड़कर क्या करें, तो इसे अच्छा समझ, जो कुछ हमें मिला है, जिस रूप में मिला है, हम उसे ही बेहतरीन समझें, अपने लिए श्रेष्ठ समझें, उसे स्वीकार करें, यात्रा सरल इससे बनेगी। जब हम इस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लेंगे, तो हमारी यात्रा सुगम हो जाएगी, सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, और यह भी मत मान कि केवल तुझे ही थोड़े में संतोष करना पड़ा है, या तुझे ही जीवन में जो कुछ भी अभाव है, कमियां हैं, उनको स्वीकार करना पड़ा है। यह सबके साथ है। जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अभाव, कुछ ना कुछ कमियां, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारा संघर्ष रहता है, लेकिन हम केवल अच्छी अच्छी और उसकी सफलताओं को देखकर अंदर ही अंदर घुटते हैं कि हमारे को ये नहीं मिला और उसको ये मिला। हम उसके जीवन संघर्ष को नहीं देखते, उसकी कड़ी मेहनत को नहीं देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये मत सोच कि तुझे ही ये चीज़ मन में बिठानी पड़ी है, ये सभी ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, कि सफल पथिक वही बनता है जो यह भरोसा करके आगे बढ़ता है कि चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मेरे लिए मेरा जीवन बहुत अच्छा है और मुझे अपने आप को इसी में आगे बढ़ाना है, और इसी से हमारी यात्रा सरल बनेगी। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तू अपने मन में ये बात बिठा ले कि जो तेरे को जीवन मिला है वो श्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है, और तुलना करना छोड़ दे, कमियां निकालना छोड़ दे, सकारात्मक दृष्टिकोण लेके और तन मन से पूरे समर्पण भाव से अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें, यही सबसे अच्छा है। अपने चित्त में इसका अवधान कर ले, दृढ़ता से इस बात को, सकारात्मक दृष्टिकोण को पकड़ लें, इस तरह से हम अपने इस यात्रा को सरल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। आज हमने पथ की पहचान कविता के दो पद किए हैं। अगले अंक में, अगले वीडियो में फिर से हम इस कविता पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।